अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सारे लोग खैरियत से होंगे। आज के इस लेक्चर के अंदर मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ किस तरह से आप वर्डप्रेस के अंदर जो है व्हाट्सएप चैट बटन लगा सकते हैं। जिस तरह से आपने काफ़ी सारी वेबसाइट्स पे देखा होगा कि बॉटम राइट या लेफ्ट कॉर्नर के ऊपर एक बटन शो हो रहा होता है जिसके अंदर जिस पे आप क्लिक करते हैं तो वो आपको उस स्पेसिफिक एडमिन की व्हाट्सएप चैट में ले जाता है। तो किस तरह से आप अपनी वेबसाइट के अंदर या क्लाइंट के लिए वो सेटअप करते हैं तो ये आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। चले चलते हैं लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर, सारा काम मैं आप लोगों को प्रैक्टिकल करें। तो हम आ चुके हैं लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर। यहाँ पे देखें, हमने डैशबोर्ड में आने ऐड प्लगइन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे हमने लिखना है सिंपल चैट बटन। ठीक है, कुछ इस तरह से हमने यहाँ पे लिखना है सिंपल। और यहाँ पे हमारे पास ये पहला जो प्लगइन है वो नज़र आ रहा है। इसके अलावा और काफ़ी सारे प्लगइन्स भी मौजूद हैं, आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं, बट ये बहुत ही इजी और सिंपल प्लगइन है, आप इजीली इसको यूज़ कर पाएंगे। तो इसको सिंपल आपने क्या कर लेना है, इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के बाद इसको एक्टिवेट कर देना है। एक्टिवेट करने के बाद इसकी सेटिंग्स आपको यहाँ पे कहीं पे शो हो जाएंगी। अगर यहाँ पे नहीं शो हो रही तो आप यहाँ पे इसी प्लगइन्स इंस्टॉल्ड प्लगइन्स में आके इस प्लगइन को देख सकते हैं। तो यहाँ पे सिंपल चैट बटन है, इसके सेटिंग्स पे क्लिक करेंगे। सेटिंग्स पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखें, सिंपल सा ऑप्शन है, यहाँ पे आपने अपना नंबर देना है। लेट्स सपोज मैं यहाँ पे एक रैंडम नंबर दे देता हूँ और यहाँ पे आप कोई भी टेक्स्ट लिख सकते हैं। इसको मैं सेव कर देता हूँ। सेव करने के बाद यहाँ पे है बटन सेटिंग्स। यहाँ पे आप बटन को जो है वो कस्टमाइज़ कर सकते हैं, कहाँ पे उसको शो करवाना है, उसका टेक्स्ट क्या हो, लेफ्ट पे हो, राइट पे हो, डेस्कटॉप पे क्या हो। ठीक है, ये सारी चीज़ें आप यहाँ से बेसिक से सेटअप कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड प्लगइन है। तो अगर आपको और ऑप्शंस चाहिए तो आप मुझे नीचे कमेंट में बता सकते हैं, मैं कोई और प्लगइन अच्छा रिकमेंड करके आप लोगों को उसके लिए एक अच्छा ट्यूटोरियल रिकॉर्ड कर सकता हूँ। तो यहाँ पे ये कैशे की वजह से शो नहीं हो रहा, तो मैं चला जाता हूँ किसी और ब्राउज़र के अंदर और यहाँ पे वेबसाइट को सर्च करता हूँ। और यहाँ पे हमारे पास करंटली वो ऑप्शन शो नहीं हो रहा, तो मैं क्या करता हूँ, इसको इनेबल बटन स्टेटस इनेबल और यहाँ पे बॉटम राइट, तो यहाँ पे ये शो होना चाहिए। मैं इसको अगेन सेव कर देता हूँ और अगेन इसको ज़रा देखता हूँ कि ये शो हो रहा है या नहीं हो रहा। कैशे की वजह से समटाइम शो नहीं होता, बट आपने परेशान नहीं होना, थोड़ी देर के बाद ट्राई करना है। तो यहाँ पे देखें, ये हमारे पास बटन शो हो चुका है। जब भी कोई यूज़र आएगा, लेट्स सपोज यहाँ पे मैं आप लोगों को दोबारा इसको किसी और ब्राउज़र के अंदर जाके दिखा देता हूँ कि किस तरह से वो शो होगा। तो यहाँ पे हम सफारी में आ चुके हैं और इसको हमने ये वेबसाइट ओपन की। और अच्छा, यहाँ पे अभी भी वो बटन शो नहीं हो रहा, तो थोड़ा टाइम लेता है सम टाइम। तो यहाँ पे आप क्लिक करेगा कोई भी यूज़र तो वो क्या हो जाएगा, उस व्हाट्सएप जो भी नंबर दिया होगा उस व्हाट्सएप के ऊपर रिडायरेक्ट हो जाएगा कुछ इस तरह से। तो आई होप आपको समझ आ चुकी होगी किस तरह से आप व्हाट्सएप चैट बटन लगा सकते हैं अपनी वर्डप्रेस वेबसाइट के अंदर या किसी भी वेबसाइट के अंदर। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। किसी भी तरह का कोई क्वेश्चन है आप मुझसे आके इंस्टाग्राम के ऊपर पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।